नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी सहराचार्य संगीत भारती। पिछली 3 वीडियो से हम आपके पाठ्यक्रम में 9th पेपर के अंतर्गत विभिन्न रागों का परिचय जान गए हैं। इससे पूर्व हमने मालकोश, चंद्रकोश, तोड़ी, गुजरी तोड़ी, जोग एवं जोग कोंस इन रागों पर चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आज राग भैरव और अहीर भैरव पर चर्चा करेंगे। पहले हम राग भैरव लेंगे। भैरव जो है बहुत प्राचीन गंभीर सुमधुर राग है। इसका थाट जो है वो भैरव है, यानी ये अपनी थाट का आश्रय राग है। इस राग में जो स्वर लगते हैं वो है रे और ध कोमल, और शेष जो है इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। इस राग में वर्ज स्वर कोई भी नहीं है, यानी कोई भी वर्जस्वर नहीं है, लेकिन आरोह में ऋषभ का अल्पत्व है, यानी चलन में सारे गामा पधा न जाके सागा मापा जाता है। इसलिए वर्जित स्वर कोई नहीं है, इसके लिए इसकी जाति इसलिए संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। वादी स्वर इस राग का धैवत है, और संवादी स्वर इस राग में ऋषभ माना जाता है, यानी धावादी और प्रे संवादी। जो है थाट इसका जो है राग, इसका गायन वादन का समय प्रातःकाल सर्वसम्मत है। आरू जैसा कि मैंने आपको बताया कि सागे न जाके सागा जाता है, कि सागा मापा ध नी सा, और अवरोह सा नी धा पा मा ग रे सा। इस तरह से
गामा रे सा, गामा रे ये जो है मा, गामा रे जो है भैरव अंक है। इस तरह से ये राग जो है भैरव है। अब हम जो अगली राग की चर्चा करेंगे वो राग जो है भैरव का ही प्रकार है, और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि यह राग जो है अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय हो गया है, जो है राग अहीर भैरव, जो कि प्रचलन में भैरव से ही ज़्यादा आजकल हमें देखने में आता है, क्योंकि भैरव का प्रकार है इसलिए इसका थाट जो है भैरव मानते हैं। इस राग में जो स्वर लगते हैं वो है रे कोमल, नी कोमल और अन्य स्वर जो है शुद्ध लगते हैं। भैरव से देखिए यह अलग हो गया कि रे तो कोमल है लेकिन नी कोमल है, और इसलिए अन्य स्वर शुद्ध हैं, क्योंकि भैरव में रेधा दोनों कोमल हैं, इसमें भैरव जो है वो शुद्ध है। वर्जित स्वर इस राग में भी कोई नहीं है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण सबको मानी जाती है। वादी स्वर इस राग का मध्यम है और संवादी षटज, यानी माँ वादी और सा संवादी मानते हैं इसमें। भैरव का प्रकार है इसलिए इसका भी गायन वादन सन है, प्रातःकाल ही सर्वसम्मत है। यह राग जो है इसमें हम देखते हैं कि पंडित रामाशेर झा जी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक अभिनव गीतांजलि में भाग जो एक है उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि इस राग के उत्तरांग में भैवत शुद्ध एवं नी कोमल ये है, जो कि हम देखते हैं कि भैरव थाट का लक्षण नहीं है, क्योंकि भैरव थाट में तो हम देखते हैं कि कोमल धवत आता है और निशा शुद्ध होता है, जबकि इसमें ठीक उल्टा है। परंतु ये भैरव का प्रकार और प्रातःकालीन राग होने के कारण के नाते इसको भैरव थाट जन्य राग जो है मान लिया गया है। इस राग का विस्तार हम देखते हैं कि मंद मध्य और ता, यानी तीनों सप्तकों में राग खिलता है, तीनों सप्तकों में इसका विस्तार किया जा सकता है। विशेषकर मध्यम स्वर पर इसमें जब विश्रांति दी जाती है वो बहुत इसमें सुंदर लगती है, और इसमें जो है खास इसके जो एक स्वर संगीति प्रयोग होती है ध्वनि रे, जो इसकी रागवाचक है, यानी धातु जो है शुद्ध और नी जो है कोमल। ध्वनि रेसा ये इसकी प्रमुख रागवाचक संगति है। अहीर भैरव राग में हम देखते हैं कि इस राग के पूर्वांग में तो भैरव है और उत्तरांग में जो है काफी राग का मिश्रण है, और कुछ विद्वान जो है इसमें शुद्ध गंधार के साथ कोमल ही एवं शुद्ध धा लगने के कारण उनका मानना यह है कि इसमें भैरव के साथ राग खमाच का मिश्रण है। परंतु अधिकांश रूप से हम जब देखते हैं कि अहीर भैरव के पूर्वांग में भैरव अंग तो बिल्कुल स्पष्ट नजर है आता है, साथ ही शुद्ध गंधार का जो लगाव है वो खमाज के लगाव से हमें भिन्न नजर आता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि खमाज के अवरोह में पंचम स्वर अल्पत्व है, यानी मतलब खमाज के अवरोह जो हम देखते हैं तो वहाँ पंचम स्वर हमें थोड़ा कम नजर आता है, परंतु अहीर भैरव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पंचम का खुल के और स्पष्ट प्रयोग होता है, तो जो कि हमें काफ़ी राग का परिचय
नज़र आता है, यानी वो वहाँ लगता है कि इसमें काफ़ी राग को ही मानना ज़्यादा उचित है, क्योंकि पंचम इसमें भी काफ़ी की तरह प्रबलता से प्रयोग होता है। साथ ही हम देखते हैं कि खमाज की अपेक्षा काफ़ी में मध्यम महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्यम जो है वो काफ़ी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह से हम देखते हैं, इस तरह अहिर भैरव में भी मध्यम पर जो विश्रांति है वो बहुत सुंदर खिलती है। साथ ही एक कारण और भी हमें नज़र आता है कि खमाज के अंतरे का जो उठाव है वो गंधार से होता है, परंतु काफी का अंतरा जो है वो अधिकतर मध्यम से उठता है, और यही लक्षण हमें अहिर भैरव में भी प्रायः नज़र आते हैं। तो इन सब कारणों से, जैसा कि रामेश्वर झासा भी कहते हैं और अन्य विद्वानों का भी मानना है कि इस राग में उत्तरांग में काफी का मिश्रण जो है वो मानना ज़्यादा तर्कसंगत है। तो इस तरीके से ये राग जो है अहिर भैरव जो है, और आरोह इसका आरोह सीधा जाता है, सारे गामा पाधानी सा सानी धापा गामा रेसा। गामा रेसा जो मैंने बताया था आपको पहले कि गामा रे जो है ये भैरव अंग है, तो ये इसका है। किस तरह से देखिए, अगले वीडियो में हम अन्य रागों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।